अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे स्टेम एंड लीफ मेथड को। ये भी एक मेथड ही होता है डाटा को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इसमें हम ग्रुपिंग नहीं करते, ठीक है। तो जो भी है सर आपको करवाते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि न्यू वीडियोज आप तक पहुँच सके। आपके पास आपको नजर आ रहा होगा कि डाटा मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, जिसमें सबसे छोटा नंबर आप देखो तो 6 होगा। 6 आपको कहीं नजर आ रहा है? ये 6 है, सबसे छोटा नंबर 6 है। अगर सबसे बड़ा नंबर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर ये 66 है। तो सबसे छोटा नंबर 6 है, सबसे बड़ा नंबर 66 है। वैसे हम इंटरवल्स में ग्रुप डाटा बना सकते हैं इसका, लेकिन ग्रुपिंग के अलावा एक और मेथड भी होता है जिसे हम स्टेम एंड लीव मेथड कहते हैं। इससे भी हम चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब बहुत आसान है इस केस के अंदर, हम इसमें एक स्टेम बना लेंगे और एक लीव बना लेंगे। स्टेम ऐसी चीज होती है जो कि कम दफा रिपीट हो रही होती है, और जो आपका लीफ होता है वो बार 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 आ रहा होता है। तो बेसिकली जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ 55, तो 55 में 5 को अगर मैं यानी कि 5 को मैं यानी कि फिक्स कर लूं, बाकी 55 आ जाए, 56 आ जाए, 53 आ जाए, बाकी के जो नंबर्स हैं उन्हें मैं एज अ लीफ ले सकता हूं। तो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बहुत मुश्किल हो। तो जैसे कि आपने इसमें करना क्या है बेसिकली, कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपका डाटा जो है वो 6 से, अगर आप गौर करो तो 6 से 66 के दरमियान में है। इसको मैं 06 कह लेता हूं। तो अगर मैंने 2 डिजिट नंबर लिखने हैं तो असल में मेरा जो डाटा है 06 से 66 के दरमियान में है। अगर मैं अपनी स्टेम जो है वो 0 1 2 3 4 5 बना लूं 6 तक, यानी ये मैं स्टेम बना लूं कि 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी। अब मैं हर नंबर को कैसे लिखूंगा? बड़ी आसानी के साथ मैं देखूंगा पहला नंबर 15 है तो यहां पे 1 है, 1 के सामने लिख दूंगा 5। तो 1 के सामने मैंने लिख दिया 5। तो जस्ट पहले हमने स्टेम लिखने होते हैं, उसके बाद हम हर नंबर को देखते हैं कि नंबर मेरा क्या है, उस लिहाज से हम लीव लिखना शुरू करते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर है 23, तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 लिख दिया। इसी तरह उससे नेक्स्ट नंबर 8 है, 8 का मतलब है 08, तो वो 8 यहां पे आ गया। नेक्स्ट नंबर है 15, अब पहले भी 15 गुजरा था तो यहां पे 5 लिखा था, अब कोमा डाल के एक और 5 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 36, तो 36 का मतलब है 3 कहां पे है, 3 ये है, इसके सामने 6 लिख देंगे। तो कहने का मतलब है अगर आपको ये टेबल दे दिया जाए तो इस टेबल से आप ये डाटा भी बना सकते हो इजीली। आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 9 6 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 15 15 18 12 और 18। तो कहने का मतलब है कि आपके पास नंबर्स दिए हुए 2 डिजिट नंबर्स हैं, इस तरह 3 डिजिट भी हो सकते हैं, पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को एक सिस्टम के जरिए हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसे हम स्टेम एंड लीफ मेथड कहते हैं। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो स्टेम में हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लीफ में 1 डिजिट ले सकते हैं। कई केसेस में हम स्टेम में 1 डिजिट ले सकते हैं, लीफ में 2 डिजिट ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टेम और कैसा लीफ बनाओ, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि एक छोटे से टेबल में, या अगर टेबल थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो उसमें सारा का सारा डाटा जो है वो आपका वो बीच में आपको नजर आ जाए। तो क्लियर हो गया होगा मेरा ख्याल, इतना मुश्किल काम नहीं है। कि जस्ट आपने यहाँ पे देखना है कि आपके नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अभी ये हमारा 60 06 से 66 था, तो ये जो पहला डिजिट है इसे मैंने लीफ बना स्टेम बना लिया है। तो स्टेम में 06 से 66 तक नंबर है, तो स्टेम में 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और ये जो बाद वाले नंबर है इसे मैंने लीफ बना लिया। अब लीफ और स्टेम को मैं एक टेबल में लिखता जा रहा हूँ इस मदद से, और इन सारे नंबर्स जो हैं, अब ग्रुपिंग में ये होता है कि असल में ग्रुपिंग और इस स्टेम एंड लीफ मेथड में फर्क क्या है कि ग्रुपिंग, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो फिर हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि भी 5 से 10 के दरमियान इतने नंबर आ रहे हैं। हम एग्जैक्टली वो नंबर फिर नहीं बताते कि 5 से 10 के दरमियान अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो उनमें से हर एक का आंसर क्या है। हम बस ये बता देते हैं 5 से 10 के दरमियान 10 है। लेकिन इस तरह से टेबल बनाने से हमें ये चीज फायदा इसका ये हो जाता है कि हर नंबर हमें अलग अलग पता चल रहा होता है,
कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें अलग अलग पता चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 0 से 10 के दरमियान में है, तो हमें सारे नंबर पता चल रहे हैं कि एक 8 होगा, एक 9 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा। इसी तरह ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 11 से 20 के दरमियान में है, तो हमें पता चल रहा है भाई कि इसमें 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, 18 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका एक बेनिफिट है, लेकिन बहुत बड़ा डाटा अगर आ जाता है कि 1000 लोगों का या 2000 का, तो फिर ये वाला टेबल बहुत बड़े हो जाते हैं, तो बेसिकली फिर ग्रुपिंग ही ज्यादा बेहतर रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम ग्रुपिंग कर लें या स्टेम एंड लीव कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है जी हमारे पास, इसमें कुछ नंबर्स पॉइंट्स में दिए हुए हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है, अगर अब मैं इसमें सबसे छोटा नंबर देखूं तो सबसे छोटा नंबर जो है ना इसमें वो 4.23 है, जो सबसे छोटा है, और अगर मैं सबसे बड़ा नंबर देखूं तो वो 5.67 है। तो वो कहाँ पे है, वो ये है, सबसे बड़ा नंबर 5.67 है, सबसे छोटा नंबर 4.23 है। अच्छा, यहाँ पे अब हम दो तरीके से इसको स्टेम एंड लीव कर सकते थे। एक तरीका ये था कि अगर मैं 4 और 5 लिख ले स्टेम ले लेता और आगे मैं लीव बनाना शुरू कर देता कि 4 और 5 ले लेता और लीव में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ जाती, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ जाता 37, फिर इधर आ जाता था 28, फिर कोमा डाल के मैं लिखता जाता, इस तरह से मेरे पास एक लंबा सा वर्टिकल टेबल बन जाता, हॉरिजॉन्टल टेबल बन जाता। इससे बेहतर ये है, यहाँ पे मुझे ये लगा कि वर्टिकल टेबल बनाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि 4.23 सबसे छोटा है और 5.67 सबसे बड़ा है, तो क्यों ना ये 4.2 से लेके 5.6 तक मैं यहां पे लिख लूं। अच्छा, स्टेम और लीव मेथड में हम पॉइंट्स वगैरह नहीं डालते, ये अंडरस्टूड होता है कि डाटे में हम जब इसकी की बनाएंगे या बताएंगे कि भाई ये डाटा किस टाइप का, तो हम खुद ही इसमें बता देंगे कि इनके दरमियान में एक पॉइंट भी आना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है। जैसे अगर ये चीज लिखी हुई है 428, तो इसका मतलब है 4.28। तो ये हम जब स्टेम और लीव लिखते हैं तो हम इसमें सिर्फ डिजिट ही लिखते हैं, पॉइंट का यहाँ पे जिक्र नहीं करते, बल्कि वैसे बता देते हैं कहीं पे रिटर्न के तौर राइटिंग के तौर पे कि स्टेम में जो पहला स्टेम में जो सेकंड डिजिट है उससे पहले पॉइंट है, ताकि फिर हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये क्या चीज क्या बन रहा है। तो बहरहाल ये 42 से लेके मैंने स्टेम में 56 तक नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं करूंगा क्या, जिस तरह पहला मेरे पास 5.37 है तो मैं 53 में जाऊंगा, 53 में जाके यहाँ पे 7 लिख दूंगा। इसी तरह 4.28 है तो 42 में जाऊंगा और इसके सामने मैं 8 लिख दूंगा, सॉरी ये वाला 8 था, ये 42 के सामने जाके। इसी तरह 56 के सामने जाके मैंने 7 लिखना है, तो ये 56 है, इसके सामने जाके मैंने 7 लिख दिया। तो इस तरह से ये मैंने स्टेम और लीव बनाया। ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, अगर आप वो 5-4 वाला बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल टेबल लार्ज बन जाएगा, इसमें आपका वर्टिकल टेबल थोड़ा सा लार्ज बन गया। तो बहरहाल ये आपकी मर्जी होती है, स्टेम एंड लीव मेथड में कोई पेट मेथड नहीं है, कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई इसी तरह से करना है। अगर आपको डाटा दे दिया जाता है कहता है स्टेम एंड डिस्प्ले करो, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप 2 डिजिट 1 डिजिट, अगर एक में 4-4 डिजिट है तो आप 2 डिजिट जो है वो स्टेम रख लो, 2 लीव रख लो, आप 3 स्टेम 1 लीव रख सकते हो या 1 स्टेम 3 लीव रख सकते हो, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये कि कोशिश आप लोग ये कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देख के डाटा को कि किस तरह से जो है वो टेबल ज्यादा अच्छा सूट करेगा, तो ये आपके ऊपर च्वाइस है। तो बहरहाल मेथड ये सिंपल सा आसान सा है,